वो है हमें नहीं सोचना। बपू को श्राप लग गया तो 16 साल तक पक्षी बनेगी। बपू आंखों में नीर भर ली, जवाब किसी ने नहीं दिया। जवाब दिया महादेव ने, दुर्वासा के सामने प्रकट हो गए, इसको कोई वर दीजिए। श्राप लगा मान रहा हूं पर इसे वर दो। वर दिया, 16 साल के बाद एक बाण इसको लगेगा, उससे इसके प्राण छूट जाएंगे और ये फिर अप्सरा नहीं बनेगी, फिर देवी बन जाएगी। ये शिव कृपा, फिर ये अप्सरा नहीं बनेगी, ये देवी बन जाएगी। पक्षी बनकर उड़ रही थी, कुरुक्षेत्र का मैदान था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान था, उड़ रही थी। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, वो बाण गलत दिशा में चले गया और पक्षी को लग गया। वो पक्षी गर्भ से थी, गर्भ में उसके 4 अंडे थे, 4 बच्चे थे। जैसे ही उसके प्राण छूटे, नीचे गिरी, उसके गर्भ से 4 अंडे बाहर निकल गए। पक्षी, अप्सरा, बपू, शंकर की उपासक, उसकी आंख में से जल बह रहा है, मरते समय मैं तो चली जाऊंगी पर ये मेरे 4 बच्चे जो नीचे अंडे के रूप में गिरे हैं, इनका क्या होगा। उस स्थान पर शंकर भगवान प्रकट होकर बपू से कहते हैं, बपू तूने मेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं 71 पीढ़ी तक का ध्यान रखता हूँ, तू क्यों चिंता करती है, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है। युद्ध के मैदान में घोड़े दौड़ेंगे, हाथी दौड़ेंगे और मेरे बच्चे 4 अंडे यहाँ पड़े हैं, 4 बच्चे पड़े हैं, ये तो उस कुचा जाएंगे, मर जाएंगे। शिव जी कहते हैं तूने जल चढ़ाया है, चिंता मत कर, जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके बच्चे की देख रेख भी शिव करता है। मैं हूं, तू क्यों चिंता करती है, मेरे बच्चों का क्या होगा। शंकर भगवान ने इशारा करा, देख नीचे क्या हो रहा है। अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ते से ही हाथी के गले में जो घंटा था वो नीचे गिरा, घंटा गिरते से ही अंडों के ऊपर गिर गया, 4 अंडे घंटे के नीचे दब गए। पूरा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का, युद्ध समाप्त भी हो गया कुरुक्षेत्र का। तब वहीं से, उसी स्थान से एक गुरु बाबा का निकलना हुआ, जिनका नाम था शमिक ऋषि। शमिक बाबा ने देखा हाथी का घंटा अच्छा है, इसको लेकर जाता हूं, मंदिर में निर्मित करेंगे। घंटे को उठाया तो नीचे से चिड़िया के उस पक्षी के 4 बच्चे मिले, जिसको शमिक बाबा अपने साथ ले गए। शिव जी ने उस बप्पू से कहा, देख बप्पू अप्सरा, जो शंकर की शरणागति में रहता है उसके बच्चा बच्चा क्या, उसके तिल तिल मात्र की रक्षा शिव करता है, शिव करता। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया कर, कहते शिव तत्व। कुबेर भंडारी कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बप्पू के 4 बच्चों की रक्षा भी शिव कर रहे हैं। बप्पू तो गई, पक्षी योनि से छूट गई। बप्पू तो गई, पक्षी योनि से छूट गई, रक्षा कर रहे हैं शिव। कैसे रक्षा करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ये उनके ऊपर। जन्म मरण परण, जन्म मृत्यु और विवाह, ये 3 शिव जी ने अपने पास में रखा। किसके साथ शादी होगी, कौन पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगी, ये उसको मालूम। तुम 10 लड़के देख लो,
पर जिसके साथ उसने संबंध जोड़ा होगा उसी से होगा।